हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको धूल के द्वारा होने वाले रोग के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें से हम सबसे पहले देखते हैं कोयले के धूल के कण यानी कि कोल डस्ट, यानी कि कोल डस्ट के द्वारा कौन सा रोग होता है, एंथ्राकोसिस। और दूसरा है सिलिका, सिलिका के द्वारा होने वाले रोग को बोलते हैं सिलिकोसिस। और एस्बेस्टास के द्वारा होने वाले रोग को बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। और आयरन डस्ट यानी कि लौह कण के कारण होने वाले रोग को बोलते हैं सिडरोसिस, या इसको हिंदी में कह सकते हैं लौहमयता। अगला देखते हैं केन फाइबर डस्ट यानी कि गन्ने के कण के द्वारा कौन सा रोग होता है, इसके द्वारा होता है बेगासोसिस। और कॉटन डस्ट के कारण कौन सा रोग होता है, बिसिनोसिस। और ग्रेन डस्ट या अनाज के धूल के कारण कौन सा रोग होता है, फार्मर्स लंग या इसे बोलते हैं कृषक फुफ्फुस। और तंबाकू डस्ट यानी कि टोबैको डस्ट के कारण कौन सा रोग होता है, टोबैकोसिस। यानी कि यहाँ पे ये सब डस्ट हैं और इन डस्ट के कारण कौन सा रोग होता है उसके बारे में ये दिया गया है।